माननीय सदस्यगण, मैं 18वें लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी यहाँ देश के मतदाताओं का विश्वास जीतकर आए हैं। देश सेवा और जन सेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। बीते चार दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है। मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्त करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वीं वर्षों की भी साक्षी बनेगी।
मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जनकल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा है हो, यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्यों के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय सदस्यगण, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत में औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है और ये ग्रोथ सामान्य समय में नहीं हुई है। बीती वर्षों में हमने 100 साल की सबसे बड़ी आपात देखी। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। ये बीते 10 साल के रिफॉर्म्स और राष्ट्रहित में के लिए किए गए फैसला के कारण संभव है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। आप मेरी सरकार भारत को विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में के काम करेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए भी मेरी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने में जुटे हैं। आज IT से लेकर टूरिज्म तक, हेल्थ से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। माननीय सदस्यगण, पिछले 10 वर्षों में मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर बहुत जोर दिया गया है। गाँव में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, FPO और PECS जैसे सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है, इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम कर शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए PM किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि दे सकते।
मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियाँ बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है, इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। माननीय सदस्यों को, आज का भारत दुनिया की चुनौतियों बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। आपने देखा है हाल ही में पूरी दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है। भारत की इस महान परंपरा की प्रतिष्ठा विश्व में लगातार बढ़ रही है। योग और आयुष को बढ़ावा देकर भारत एक स्वस्थ विश्व के निर्माण में मदद कर रही है। मेरी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भी कई गुना बढ़ाई है। हम जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करने की दिशा दिखा रहा है। नेट जीरो के लिए आज भारत के प्रयास कई दूसरे देशों को प्रेरित कर रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे पहल पर आज रिकॉर्ड संख्या में दुनिया के देश हमारे साथ जुड़े हैं। माननीय सदस्यगण, आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं जिससे ग्रीन जॉब्स भी बढ़े हैं। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हर मोर्चे पर हम बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। मेरी सरकार अपने शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदूषण से मुक्त, साफ सुथरे और सुविधायुक्त शहरों में रहना भारत के नागरिकों का हक है। विशेष रूप से छोटी शहरें और कस्बे में बीते 10 वर्षों से अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत में आज दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे। अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गया है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ Tier 2, Tier 3 शहरों को हो रहा है। 10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची हैं। वंदे मेट्रो जैसे कई योजनाएं पर काम चल रही है। भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, मेरा सरकार इन आधुनिक मापदंड पर काम कर रही है जिससे भारत विकसित देश के सामने बराबरी से खड़े हो सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस दिशा में बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में उभारा है। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव में 380,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई। आज भारत में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस वेज का जाल बिछ रहा है। नेशनल हाईवेज बनाने की गति में भी 2 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू करने का फैसला किया है। पहली बार देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरू हुआ है। इसका बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्टिव पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।